हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनामिका क्रिएशन। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल सूट की कटिंग, जो कि बिगनर्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े का लेंथ मेजर कर लेंगे। हमें लेंथ चाहिए 40 इंच और यहाँ पे हमारा कपड़े का लेंथ है 42। तो हम ये पूरा ही लेंगे क्योंकि हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखते हैं। उसके बाद हम कपड़े को फोर फोल्ड करेंगे चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कपड़े को पूरी तरह से चार फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को अच्छी तरह से फोर फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ का मेजर फिर से लेंगे क्योंकि छोटा बड़ा हो सकता है। तो फिर से आप एक बार ले लीजिए। तो यहाँ पे मेरा परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो मैंने शोल्डर के लिए 6 इंच लिया है। पहले मैं नेक के लिए 2.5 इंच लूँगी, फिर उसमें 3.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी कंधे के लिए। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच पे मार्क किया है। फिर मैं स्केल की मदद से इसे सीधा ड्रॉ कर लूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह से। और फिर मैं यहाँ पे आर्म होल का शेप दे दूँगी। अगर आपके पास शेपर है तो आप शेपर से दीजिए, अगर आपके पास शेपर नहीं है तो आप नॉर्मल हाथ से भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं गले की कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैं स्टिचिंग के टाइम गले की कटिंग करूँगी। फिर हम यहाँ पे चौक के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें लेना है 6 इंच, फिर उसके नीचे लेना है 6 इंच, मतलब टोटल 12। अगर आपका हाइट लंबा है तो आप यहाँ पे 14 इंच ले सकते हैं 7-7 करके। तो मैंने यहाँ पे 6+6 ही लिया है। तो फिर हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट है 32, तो हमें 32 का फोर्थ लेना है। तो हमारा आएगा 8, और 8 में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट है हमारा 30, तो 30 का फोर्थ पार्ट होगा 7.5 और +2 इंच एक्स्ट्रा। फिर हम यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट है हमारा 34, फिर 34 का अगर हम फोर्थ पार्ट करेंगे तो हमारा आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर इसके बाद हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, हमें यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है क्योंकि यहाँ पे हमारा चौक बनेगा। तो चौक के लिए हमें 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। फिर हम इन लाइनों को मिला देंगे ऐसे, देखिए। तो यहाँ पे एक लाइन हमारा फिटिंग का है और एक लाइन जहाँ से हम कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पे हिप का मेजर करेंगे और फिर उसके सेम बराबर नीचे मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सेम बराबर कर लिया है। अब इन दोनों लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। Thank you.
तो यहाँ पे हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसे अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है, तो हम अब बाजू का कटिंग करेंगे। तो बाजू का कटिंग हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे आर्म होल का माप ले लेना है। जैसे मैं ले रही हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा 11 इंच आया है, तो आपको सिर्फ 11 इंच याद रखना है। यहाँ पे मैंने कपड़े को ले लिया है, अब हम कपड़े को फोर फोल्ड करेंगे। यहाँ पे मेरा कपड़ा बहुत बड़ा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो करके अलग से कर रही हूँ। तो देखिए तो यहाँ पे मैंने कपड़े को अच्छे तरीके से फोर फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं देखिए आर्म होल का निशान ड्रॉ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जैसे आपका बाजू का लेंथ ले लेना है, तो मेरा लेंथ था 5 इंच, तो मैं 5 में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ली हूँ फोल्डिंग के लिए और सिलाई के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से स्केल से ड्रॉ कर लिया है। नीचे कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा है, तो उसको मैं बाद में काट लूँगी। फिर यहाँ पे मैंने ऊपर से आर्म होल का शेप दिया है, देखिए। ये सबसे इजी तरीका है बाजू काटने का। देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो फिर हमने सूट की कटिंग में 11 इंच याद रखा था, तो यहाँ पे हम 11 इंच पे दाग लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा 11 इंच यहाँ पे आ रहा है। फिर यहाँ से हमें एक तिरछा लाइन ड्रॉ करना है और फिर इसकी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा सूट का कटिंग कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।